अभी लोग धूप ले रहे हैं, आप हवा लेने लगे। मैंने असर है लग रहा है कहने का। हो गया लाइव, हो गया। देखिए आईपीसी में आपका 27 चल रहा था और यहाँ से आपका प्री में भी क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू में भी और मेंस में भी बना है। और आईपीसी की सेक्शन 27 में आपका फिर एक बार बताया जाए, और कोरिलेट करके पढ़ना है भाई। देखिए आपको बेयर एक्ट पर भी लिख सकते हैं कि जब भी 27 पढ़िएगा आपको कौन कौन सी धारा कोरिलेट करनी है, तो सबसे पहले 378 करनी है चोरी की, इसके बाद लिपिक या सेवक द्वारा मालिक की संपत्ति की चोरी वह 381 करनी है, और फिर आपका न्यास भंग 409, यानी कि और 300 400 देखिए 408 है भाई। हाँ ठीक, 408। और आपका 378 में दो तीन दृष्टांत देखने हैं, तीन क्या हम चार उदाहरण बताएंगे। और जो कंपटीशन में क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका बेर एक पर लिख लेना चाहिए कि कौन कौन सेक्शन इस सेक्शन के साथ हमें पढ़ने हैं। तो पहले आपका फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर रखिए कि कब्जा दो प्रकार का होता है, एक इमीडिएट, इमीडिएट यानी कि तात्कालिक, तात्कालिक को आपका शुद्ध हिंदी में कहते हैं अव्यवहित या निकटवर्ती या समीपवर्ती, और एक होता है व्यवहित यानी कि मीडिएट यानी कि दूरवर्ती कब्जा। तो अब क्वेश्चन जो यूपीजे में बना है जुरिस्प्रूडेंस में जाकर, कि किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त किए गए कब्जे को कौन सा कब्जा कहते हैं, तो मीडिएट या हिंदी में व्यवहित, नहीं हिंदी में शुद्ध हिंदी में व्यवहित या मध्यवर्ती या दूरवर्ती, ये याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इंटरव्यू में बना है कि 27 में कौन सा कब्जा दिया गया है, मीडिएट की इमीडिएट, तो मीडिएट मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में उस वस्तु पर पजेशन या आधिपत्य किसी दूसरे का है, लेकिन कानूनन किसी दूसरे का माना जाएगा, यानी कि वास्तविकता कुछ और है और कल्पना कुछ और है। ये आपका किस सेक्शन में है, 27। तो पहले 27 को पढ़ाया जाए, फिर आपका 370 क्रम से चला जाए। तो 27 से देखिए आपका शब्दशः पहले पढ़ा जाए कि 27 कहता क्या है। देखिए भाई आपका पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, देखिए जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त, निमित्त ना आए तो के लिए फार, यानी कि जबकि संपत्ति या प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के निमित्त यानी कि किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की पत्नी लिपिक या सेवक, तो कितने रिलेशनों की बात की गई है, तीन, पहला पत्नी, दूसरा लिपिक और तीसरा सर्वेंट या सेवक। देखिए आपका सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत, इस संहिता मतलब कि केवल आईपीसी के लिए, दूसरा कानून न मान लीजिएगा, किसके अर्थ के अंतर्गत, आईपीसी के लिए, उस व्यक्ति के कब्जे में है। उस व्यक्ति के कब्जे में है का मतलब ये हुआ कि अगर पत्नी के कब्जे में है तो किसका कब्जा माना जाएगा, पति का, और लिपिक सेवक का कब्जे में है तो किसका। तो अब बताइए, अब इसी पर आपका व्यवहित कब्जे को एक दो उदाहरण दी, और आपका सतर्क रहना है उदाहरण में, और जो मैं उदाहरण दे रहा हूं
वह सबसे पहले 378 में आपका तीन उदाहरण अच्छे से याद रखना है। देखिए, ये एक पति है अपनी पत्नी बी को एक कोट रखने के लिए देता है, तो वास्तव में कब्जा तात्कालिक पत्नी का है, लेकिन पत्नी के माध्यम से कब्जा कौन बनाए हुए है? पति। तो अगर कोई एक भिखारी आता है या कोई जार आता है, दोनों हम उदाहरण एक में समेट दे रहे हैं। अगर कोई भिखारी आता है या जार आता है और वह जानता है कि ये कोट पति का है, पत्नी को इसे भीख में देने या दान देने का हक नहीं है, और जानते हुए भी पत्नी से वह कोट ले लेता है, तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है 27 के तहत कि पति के कब्जे से पति की सम्मत के बिना भिखारी या जार ने यह कोट हटाया है, अतः भिखारी या जार जो भी हो चोरी के लिए दंडित किया जाएगा। यानी कि अब ये देखा जाएगा, क्या भिखारी और जार जो भी हो, दोनों को एक में समाहित कर रहे हैं, क्या इन्हें इस बात का नॉलेज था या विश्वास करने का कारण था कि ये जो कब्जा इस ये जो कोट है ये पत्नी को देने का हक नहीं है किसी को? अगर था तो ये लोग चोरी के लिए दंडित होंगे और ये माना जाएगा कि कब्जा किसके, माने ये जो वस्तु है किसके कब्जे से बाहर की गई है? पति के। अब यहाँ आपको दो उदाहरण ये आया। अब लिपिक सेवक पर अच्छा उदाहरण बनता है, और लिपिक सेवक का, अगर लिपिक या सेवक द्वारा चोरी की जाती है तो 381 में, और लिपिक या सेवक द्वारा न्यास भंग किया जाता है, विश्वास को भंग किया जाता है, गबन किया जाता है, अमानत में खयानत डाली जाती है, तो किस धारा में मामला आएगा? 408। देखिए, आपका झारखंड से लेकर हरेक राज्य, एक शब्द मैं बता रहा हूँ वही शब्द पकड़े रहिएगा। सबसे पहले 381 पर मैं बता रहा हूँ उदाहरण, ये उदाहरण दिया गया है 378 में, लेकिन हम बता किस पर रहे हैं? 381। ए मालिक है और अपने सेवक बी को एक प्लेट देता है, और आपका शब्द लिखा रहेगा देख रेख के लिए न्यस्त करता है। देखिए, यही पॉइंट आपको कंपटीशन के लिए पकड़ना है। अगर ये दे दे कि मालिक ने सेवक को, लिपिक को अपनी प्लेट दी, देख रेख के लिए न्यस्त की, यानी कि न्यस्त मैंने ट्रस्ट किया, विश्वास किया कि आप देख रेख करते रहिए। अब 27 यही दिमाग में बैठाना है कि देख रेख के लिए मालिक ने बी को दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 27 के अनुसार अभी भी उस प्लेट पर कब्जा किसका माना जाएगा? मालिक का। यानी कि सेवक के माध्यम से कौन कब्जा रखता है? मालिक। तो कानूनन कब्जा किसका माना जाएगा? और अगर सेवक प्लेट को बेचकर पकौड़ा खा लिया या समोसा खा लिया, या आपका कह सकते हैं कि कुछ और खा लिया, तो भाई और भी खाया जा सकता है, पिया जा सकता है, या दो बूंद ले लिया, तो सेवक ने चोरी की स्पष्ट रूप से। तो शब्द जो हम पकड़वा रहे हैं वही पकड़िए कि अगर देख रेख लिखा हो, इसका मतलब कि 27 अप्लाई होगी, अभी भी कब्जा मालिक के पास है और सेवक प्लेट लेकर भाग गया, यानी कि माना जाएगा कि मालिक के कब्जे से वो भागा है, और सेवक 381 के तहत आपका मालिक की संपत्ति की चोरी के लिए जिम्मेदार होगा। अब एक शब्द पर सब कुछ बदल जाएगा, ये शब्द हटा दीजिए देख रेख, और केवल अब क्या रखिए? न्यस्त या ट्रस्ट। दूसरा उदाहरण देखिए जो 408 से कवर होगा।
एक मालिक है, एक प्लेट अपने सेवक को न्यस्त करता है। देख रेख हम शब्द हटा दिए। न्यस्त किया का मतलब ये हुआ कि कब्जा सेवक को दे दिया है, लेकिन सेवक पर बिलीव या विश्वास किया है कि ये विश्वासघात नहीं करेगा, और सेवक क्या किया, विश्वासघात, और विश्वासघात करके प्लेट बेचकर पकौड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, या प्लेट का मिस यूज किया है। तो सेवक ने कौन सा अपराध किया? तो अगर केवल न्यस्त लिखा रहे तो चोरी न कराइएगा, अब विश्वास भंग किया है सेवक, तो कौन सा अपराध होगा? 408 का कौन सा? आपराधिक न्यास भंग। तो सब कुछ बताया गया, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो अगला सेक्शन पढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ से निश्चित रूप से मैं बता दूँ, एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है 99%। अब या तो 27 से बन जाए, या 378 से, या 381 से, या किस धारा 408। अब अगला ये 28 सेक्शन। जहाँ तक 28 की बात है, कूट करण को परिभाषित किया गया है, यानी कि नकली बनाना। तो नकली चीजें कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति कूट करण किया है या नकली चीज बनाया है? तो कूट करण ऐसा हो जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाए कि ये नकली है कि असली। अगर नकल ऐसी है कि किसी को भ्रम न हो तो वह कूटकरण नहीं माना जाएगा। तो सिक्कों का भी कूटकरण किया जाता है, नकली सिक्का बना दीजिए। नोटों का कूटकरण किया जाता है, नकली नोट बना दीजिए। मार्कशीट का कूटकरण किया जाता है, हाई स्कूल और इंटर का क्या करिए? तो एक उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक लड़का है, पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठा टेक है, लड़की वाले आए और पूछे कि बबुआ क्या पास हो, भाई अन्यथा ना लीजिएगा, बबुआ मतलब ये नहीं कि अखिलेश जी को ले लीजिएगा, बबुआ कौन सा शिक्षा पाए हो? तो कहा कि हम इंटर में लिंटर किए हैं, यानी कि हम इंटर क्या है, पास हैं, और इंटर पास करके कर क्या रहे हैं, अब उसके आगे नहीं बता सकते, हमारे बस की बात नहीं है भाई। तो ये हुआ कि भाई सर्टिफिकेट दिखाओ, तो इंटरनेट से फर्जी सर्टिफिकेट बनाया था, लड़की वालों को दिखा लिया, कौन लड़की वाले इंटर चेक करने जा रहे हैं मिलान, तो काम हो गया। उसके बाद से अब कौन पूछ रहा है, भाई विवाह हो गया, यानी कि ये आपका कूटकरण हुआ। दूसरा देखिए भाई, कूटकरण दस्तावेज का भी होगा, अलग से हम पढ़ाएंगे, 463 से आएगा। नोटों का कूटकरण है, सिक्कों का कूटकरण है, तमाम कूटकरण होगा, स्टाम्प का कूटकरण, यानी कि सबका नकल बनाइए, रसीद, फीस की रसीद का कूटकरण। जैसे कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जैसे घर से ले लिया आपका बहुत ज़्यादा पैसा, और घर वाले कह रहे हैं कि भाई रसीद दिखाइए, तो रसीद आएंगे कि भाई फर्जी अपना कंप्यूटर से निकलवा के रसीद, अपने ही 30 रुपया का मोहर बनवाएंगे, सर की साइन करके नीचे क्या मार देंगे, मोहर, तो आपका 50 रुपया में टोटल 50,000 की रसीद बन गई, घर वाले को व्हाट्सएप से भेज दिए, घर वाले भी खुश, लड़का भी खुश, और उसके बाद हाईटेक मोबाइल ले लिए 20,000 का। तो घर वाले पूछे ये कहाँ से, तो मित्र दिया है, सेलेक्ट हो गया, अब कौन पूछने जा रहा है भाई। देखिए ऐसे एक दो लोग आए, इसमें कोई शक नहीं, हम नाम नहीं बता सकते, माने आपका कई लोग आते रहते हैं, और एक लोगों के तो पिताजी फोन कर दिए कि चेक करके बताइए कि हमारा लड़का पढ़ता है कि नहीं, माने वो कहे कि आप ऑनलाइन में चेक करिए, उसका मोबाइल नंबर है, वो पढ़ता है कि नहीं, मैं फीस दिया हूँ, एडमिशन लिया है कि नहीं। तो एक लोग के पिताजी खुद ही बात किए, कहे कि इतना भेज रहा हूँ, देखिएगा आप ले लीजिएगा पैसा, ये कहीं उड़ा ना दे। तो ऐसे भी लोग आते रहते हैं कबीरा ही संसार में, भांत भांत के लोग। तो भाई आगे बढ़ा जाए कूटकरण। अब आइए, नकल एकदम हूबहू होनी आवश्यक नहीं है,
जब सब कुछ मैच कर जाएगा तो कहाँ पता लगेगा कि नकली है। जैसे पाकिस्तान या भारत में ही नकली नोट 2,500 या इत्यादि की जो बनाई जाती हैं, अगर जो आरबीआई छापता है नोट और सब कुछ हूबहू मिल जाए तो कोई एजेंसी पकड़ ही नहीं पाएगी कि ये नोट क्या है। तो कहावत कही जाती है, लाख नकल करिए, एक जगह अकल आपकी क्या होती है, भूल जाती है एक न। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लाख नकल करिए, सर्टिफिकेट या नोट देखने से कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा मिलेगा जहां नकल करता फेल मार जाएगा। तो जैसे कि लोग परीक्षा में भी नकल करते हैं, तो आपका देखिए कैसे लिखते हैं भाई, एक खुद भी उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई पप्पू है, शुद्ध रूप से हुआ कि ये लो सीरीज लिखो, तो दिया है कि उपर्युक्त दृष्टांत देखिए, लिखा रहता है ना कि उपर्युक्त व्याख्या, तो उत्तर लिखा नीचे लिख दिया कि उपर्युक्त व्याख्या देखिए। यानी कि एग्जामिनर पकड़ लिया कि असली पप्पू है और देख कर क्या किया। चलिए भाई देखिए आगे भाई, तो एक लास्ट में उदाहरण कोट कर पढ़ना नहीं, ज्यादा समझाना है भाई। देखिए फिर एक बात, जैसे कि आप लोग बस स्टैंड या रेलवे स्टैंड पर देखे होंगे कितना बड़ा बड़ा नोट 2,000 और 500 की बिकती है। तो क्या कभी आपने ये माने दो दो रुपया की, तो क्या कभी किसी को संदेह होता है कि ये नकली है माने असली है? नहीं, तो ये कूटकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो केवल बच्चों के खेलने के लिए बिकती हैं। और ऐसी दशा में कुछ लोग क्या करते हैं कि पैसे का अभाव रहता है तो शादी विवाह में उसी नोट को सिलवा देते हैं और पहनकर घोड़े पर सवार हो जाते हैं, और घोड़ा बिदक गया तो उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। उसके बाद हमारे बस की बात नहीं है कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि बौरो भी कह रहे हैं कि लोकनीत क्या है भाई। उदाहरण का मतलब कि एक क्वेश्चन आए, और अभी एक क्वेश्चन BHULL में पूछा गया था कि किसकी तुलना अनियंत्रित घोड़े से की गई है कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिक पॉलिसी। आगे बढ़ा जाए बस 28 में क्या परिभाषित है कूटकरण, इतना ही याद रखना। अगला देखिए 29, 29 भी आपका पूछा जाता है, वैसे मैं बता चुका हूँ। डॉक्यूमेंट की परिभाषा, दस्तावेज की परिभाषा, खूब साक्ष्य अधिनियम में आप लोग पढ़े हैं तो जो परिभाषा साक्ष्य अधिनियम की वही परिभाषा IPC की। तो साक्ष्य अधिनियम में पहले पढ़े हैं 2-4 दिन पहले, आप लोग बताइए दस्तावेज की का निर्वचन किस सेक्शन में किया गया है, 3 में किया गया है। दस्तावेज बताया गया कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट दूसरा प्राइवेट। दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। दस्तावेज किस साक्ष्य को मृत साक्ष्य कहते हैं, डेड एविडेंस कहते हैं। दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य सर्वोत्तम होता है कि दस्तावेजी, और आपका भी 91-92 बताना भी है, 91 से लेकर 100 तक दस्तावेजी साक्ष्य हैं, तो मौखिक साक्ष्य को सामान्यतः क्या किया जाएगा, बाहर अपवर्जित। तो दस्तावेज की परिभाषा बता दें 2 मिनट, मैंने बता चुका हूँ मैं एविडेंस में, लेकिन फिर एक बार बता दिया जाए। डॉक्यूमेंट किसे कहा जाएगा, तो किसी विषय को, किस पर, किसी पदार्थ पर। तो बताया गया था भाई, या तो अंकों द्वारा या शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या इनमें से किसी दो द्वारा या तीनों द्वारा अभिलिखित किया गया है, और अभिलेखन का इरादा ये है कि भविष्य में हम इसे लिखावट के रूप में यूज करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डाकोमेंट। अब एक जो उदाहरण पूछा जाता है, जो कार्टून होते हैं पत्थर पर चिन्ह बने हैं, दीवार पर लिखा है, शरीर पर लिखा है, लकड़ी के पटरे पर लिखा हो, पेड़ पर लिखा हो इत्यादि, कंप्यूटर पर लिख दिया, आपका मोबाइल पर लिख दिया, ये सब डॉक्यूमेंट हैं। और एक उदाहरण हमने बेस्ट महोदय का बताया था, जो 2-3 बार UPSC में आया है,
एक दुधिया है, वह गिनती नहीं जानता और जितनी दूध की मात्राएं दे रहा है एक लकड़ी के पटरे पर चिन्ह बना रहा है, वह चिन्ह दस्तावेज माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा पर सेट करिए किसी विषय को यानी कि दूध की मात्रा को किसी पदार्थ पर यानी कि लकड़ी के पटरे पर अंक द्वारा लिखा नहीं, शब्द द्वारा लिखा नहीं, लेकिन एक और भी तो है, किसके द्वारा? और आशय क्या है कि भविष्य में जब दूध की मात्रा को लेकर विवाद होगा तो ये लकड़ी का पटरा हम क्या करेंगे? अब आप लोग बताइए, अगर वह लकड़ी का पटरा उठाकर ही ला दे तो प्राथमिक साक्ष्य होगा कि द्वितीयक, और फोटो खींच कर लाए तो द्वितीयक? हाँ सही बता रहे हैं भाई। चलिए आगे देखिए, तो 29 भी आपका समाप्त हो गई। अब 29A, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये भी क्वेश्चन आपका एमपी में बना है, थोड़ा अंदर जाकर बना है। पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का माने का की परिभाषा आईपीसी की किस धारा में दी गई है? तो 29A क्वेश्चन मिलाने के लिए आया है, रट कर जाइएगा। फिर आपका बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ये जो परिभाषा है ये कब जोड़ी गई? तो कब जोड़ी गई? सन 2000। और किस कानून द्वारा संशोधन किया गया? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट का संशोधन कब से लागू हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000। भाई रटवा गया, कब से? सबसे व्यापक एविडेंस में संशोधन किस सन में किया गया? 2000 में। किस कानून द्वारा? आईटी एक्ट द्वारा। मिनी एविडेंस किस संशोधन को कहते हैं? सन 2000 वाले को। अब अगला क्वेश्चन, सन 2000 में आईटी एक्ट द्वारा किन कानूनों में संशोधन किया गया? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या मारेंगे? आईपीसी में भी किया गया, सीआरपीसी में भी, और एविडेंस में तो किया। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किन किन कानूनों में संशोधन किया गया? तीनों में। तो अब अगला क्वेश्चन जो एमपी ने बना रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसे कहा जाएगा? अब वो जो अंदर की बात है वही आपका धारा याद रखना पड़ेगा, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 9 में है। 9 यानी कि आपका टी में। तो देखिए आप, बैटरी खत्म हो गई। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब क्या होगा? जो आईटी एक्ट की धारा 4 ऑप्शन देगा और टमाटर वाला ट याद करके जाना है, यानी कि धारा आईटी एक्ट की धारा 2 की उपधारा 1 का क्लाज कौन सा? टी। ऐसे आप रट कर जाएंगे और यही ऑप्शन हिंदी में न लिखा रहेगा, एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा आपका। फिर मैं बता रहा हूँ, ये दो बार एमपीएजे में आ चुका है और धारा 2 1 टी, इसी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या किया गया है? परिभाषित। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आपका तमाम जगहों पर आईपीसी में जोड़ा भी गया है, आगे हम बताएंगे, इस पर भी वर्तमान समय में एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन का मॉडल ये बनता है, दो मॉडल बनता है कि किन किन धाराओं में सन 2000 में संशोधन किया गया, एक मॉडल ये, कौन सी धारा सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई यानी कि पूरे नए तरीके से लिखी गई, तो जब आगे सेक्शन बढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाएगा। आइए सेक्शन 30 चला जाए, धारा 30 चला जाए, मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देखिए आपका कई जगह ये शब्द आएगा कि मूल्यवान प्रतिभूति।
अब मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा कागज पत्र, यानी कि ऐसा दस्तावेज जिससे कि किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाए, अधिकार कम हो जाए, अधिकार छीन जाए, अधिकार बढ़ जाए, अधिकार समाप्त हो जाए, अधिकार परिवर्तित हो जाए इत्यादि। यानी कि कुल मिलाकर ऐसा डॉक्यूमेंट जो अधिकारों से रिलेटेड हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या मूल्यवान प्रतिभूति। अब आपका एमपी में जो लोग भाई, एमपी का जो मॉडल है वह एक लिस्ट बनाकर देता है कि कौन मूल्यवान प्रतिभूति है और कौन नहीं है, पहले मॉडल देख लिया जाए। यूपी ने कभी भी अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा, बस ये पूछा कि मूल्यवान प्रतिभूति आपका कहाँ परिभाषित है, तो सेक्शन 30 यानी कि 30 में। अब मूल्यवान प्रतिभूति कल बता देंगे डिटेल में, थोड़ा लिस्ट हमें को मैंने फिर से एक बार देखनी पड़ेगी, तो कल हम इसको एक बार बता देंगे, छोड़ दे रहे हैं इसको आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आपका कल लिस्ट हम तैयार करके आएंगे, क्योंकि वो लिस्ट बताना पड़ेगा और कुछ व्यवस्था के कारण कुछ कम पढ़ पा रहे हैं भाई, और आपका इसीलिए आपका मैंने ज़्यादा क्लास भी नहीं चल पा रही है, तो कल हम इसको फिर से एक बार 30 बता देंगे 10 मिनट में, क्योंकि वो एमपी के लिए एक लिस्ट अलग से लिखवानी पड़ेगी, नोट्स में उतना है नहीं, तो अलग से एक दो किताबों से खोज कर, ताकि भाई पढ़ाया जाए तो केवल यूपी ही न चले, जो अलग राज्यों में पूछा जाता है जिस मॉडल से आपका, वो भी साथ साथ चलता रहे। अगला देखिए भाई आपका सेक्शन 31, बस एक लाइन की धारा है, विल की परिभाषा, वसीयत की परिभाषा। तो वसीयत की परिभाषा मैं तो कई बार बता चुका हूँ और कई बार वसीयत के बारे में वर्णन भी किया गया है, अब यहाँ बार बार न बताया जाए। वसीयत की परिभाषा किस धारा में, विल या इच्छा पत्र 31 में, वसीयत का मतलब क्या हुआ, तो कोई वसीयती दस्तावेज। फिर आपका यहाँ से 3-4 मॉडल बनते हैं, मैं बताया भी था, एक बार हल्का हल्का उल्लेख कर दें कि वसीयत तभी लागू होती है जब वसीयत लिखने वाला व्यक्ति जिंदा रहे कि मर जाए, और अंतिम जो वसीयत लिखा रहेगा वही मान्य होगी। अगर वसीयत लिखने के बावजूद भी वह अपनी संपत्ति को बेच दिया, दान दे दिया, तो विक्रय लागू होगा, क्योंकि वसीयत तभी लागू होगी जब उसके पास संपत्ति क्या हो, बची हो। भले बेच सकता है, भले वसीयत लिखा है, वसीयत रोल लिखिए, रोज फाड़ कर फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बताया भी था कि वसीयत लिखा लेकिन कौन व्यक्ति संपत्ति पाएगा, ये तो लिखा ही नहीं, तो ये वसीयत ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ पंचौरा लिखा और किसको हमारे मरने के बाद लिखा, ये प्रत्यक्ष गलती है। और 2-3 दिन पहले एविडेंस में कौन सी धारा बताई गई, 93। वसीयत की व्याख्या अब उतना न चला जाए, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही हम वसीयत के बारे में डिटेल में बता रखते हैं। 32 आइए, 32 आपका, और 33 जो भी कारण हो, एक या आपका बिहार एपीओ में बना 32 और 33 यूपीजे में बना, अभी बना है, यानी कि इसी बार बिहार एपीओ में 32 बना था और यूपीजे में पिछली बार 2018 में 33 बना था, हेडिंग ही बनी थी, लेकिन हेडिंग के अलावा भी हमें पढ़ना है। देखिए हेडिंग क्या बनी थी, हेडिंग जरूर याद रखिए, कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कार्य के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत इनलीगल ओमिशन भी शामिल हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कानून में, बेयर एक्ट में कहीं भी शब्द लिखा रहे कि यह कार्य करके अपराध किया जाएगा, तो वहाँ अवैध लोप अपने आप शामिल माना जाएगा, भले वहाँ लिखा न गया।
जैसे कि हाँ, एक अवैध लोप का कार्य का जेलर है, मैं बता चुका हूँ शुरुआती दौर में, फिर मैं बता रहा हूँ भूमिका में। एक जेलर है, कैदी को रोज 10 डंडा मारता है, कैदी मर गया तो ये कार्य करके मृत्यु कारित किया कि ओमिशन कार्य, और कैदी को भोजन ही 1 माह नहीं दिया और कैदी मर गया तो लोप की अवैध लोप, अवैध अवैध लोप का मतलब ये हुआ कि जो नैतिक कर्तव्य नहीं, सामाजिक नहीं, कैसा कर्तव्य था विधिक, और उस विधिक कर्तव्य को क्या किया, नहीं निभाया। लोप मतलब कि नहीं निभाना, कार्य न करना। फिर यूपीएफओ में बन गया, एक भिखारी आपके दरवाजे पर आया भीख मांगने, आपने भीख नहीं दिया, भिखारी मर गया, आपने लोप किया तो ये लोप वैध था कि अवैध, वैध, क्योंकि भीख देना नैतिक कर्तव्य है, विधिक नहीं। अवैध कब होगा, जब कर्तव्य कैसा हो, विधिक। तो जेलर का कर्तव्य विधिक था भोजन देना कि नैतिक, विधिक, नहीं दिया, मर गया कैदी तो जेलर ने अवैध कार्य करके, मैंने कार्य करके मार दिया कि अवैध लोप करके, इनलीगल ओमिशन। तो अब आइए फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए अलग से जो आपका पूछा गया है। देखिए, अगर कहीं भी, फिर एक बार नियम जानिए, दिमाग में बैठाइए, पूछा गया ये, अगर कहीं भी एक्ट शब्द आए तो आप मान कर चलिए कि इनलीगल ओमिशन भी वहां शामिल है, भले वहां लिखा न गया। लेकिन अगर विधायिका का आशय किसी सेक्शन में केवल और केवल अवैध लोप लिखना हो तो उस सेक्शन में स्पष्ट रूप से कार्य नहीं लिखा जाएगा, इलीगल ओमिशन, स्पष्ट रूप से शब्द का क्या रहेगा, उल्लेख। और यही आपका पूछा जाता है कि लोप द्वारा अपराध का उल्लेख किस धारा में, तो 491, रट कर जाइए, कौन सी धारा, 491, कार्य द्वारा नहीं, किसके द्वारा अपराध वहां केवल होता है, अवैध लोप। ये आपका यूपीएपीओ में आ चुका है, उत्तराखंड 2 बार रिपीट किया है और आपका आगे बताया भी जाएगा, लेकिन एक उदाहरण कम से कम याद रखिए कि एक्ट द्वारा नहीं, किसके द्वारा अपराध केवल, इलीगल ओमिशन, सेक्शन कौन सा, तो आपका 491, 491। अब आइए आपका 32 हो गया तो 33 देखा जाए, 32 आई पूछा गया था भाई आपका, फिर बताया जाए बिहार एपीओ में, 33 यूपी जे में पूछा गया था, एक लाइन, कार्य लोप कहाँ परिभाषित किया गया है, शब्द पकड़िएगा, कार्य के अंतर्गत लोप आता है अवैध लोप, तब आपका 32 मारिए, कार्य लोप केवल दे तो 33 मारिए, कार्य मतलब एक कार्य में बहुत कार्य, एक लोप में बहुत लोप, तो आइए एक कार्य में कराया जाए। ये एक जेलर है, एक दिन 10 डंडा मारा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो एक कार्य किया कि कई कार्य, कई कार्य किया, 3 दिन मार दिया 4 दिन, और एक लोप में बहुत से लोप भी शामिल हैं, एक दिन जहर दिया, 2 दिन दिया, 3 दिन दिया, या एक दिन 2 बूंद लिया, 2 दिन लिया, 3 दिन लिया, 2 बूंद, तो एक लोप, एक कार्य किया कि बहुत से कार्य, बहुत से कार्य, या लोप में देखिए भाई, ये तो कार्य हुआ ना, लोप में भी तो देखना है कि एक लोप या बहुत लोप। अब एक जेलर एक दिन भोजन नहीं दिया कैदी को तो एक बार लोप किया, और लोपों की आवली मतलब कि लगातार 2 माह तक नहीं दिया, तो लोपों की श्रृंखला कर दिया और कैदी क्या हो गया, मर गया। तो एक्ट और ओमिशन पूछ ले कि कहाँ दिया गया है, परिभाषित है, तो क्या आपका जवाब रहेगा, 33, और कार्य के अंतर्गत अवैध लोप शामिल है तो 32। भाई रट कर जाइए, आ सकता है एपीओ में, चांस है आपका उत्तराखंड में। 34 से लेकर 38 तक कभी छोड़ा जा रहा है ये भी सेक्शन, 149 के साथ हम बताएंगे आपका। 39 से कवर करिए, अब ये 149 के साथ एक साथ बताया जाता है, एपीओ में पूछा भी गया था भाई कि कौन किस केस में
34 और 149 में डिफरेंस बताया गया नानक चंद्र, कौन सा केस हम डिटेल में बताएंगे, वो चिंता ना करिए, आपका एक हफ्ते में 10 दिन में आ ही जाएगा, क्योंकि आपका इधर की धाराएं थोड़ा स्पीड में चलती हैं, थोड़ा बहुत आपका स्लो होगा 76 से। देखिए आगे भाई 39 पर भी यूपीजे में और यूपीएपीओ दोनों में क्वेश्चन बन चुका है, गलत न हो किसी भी हाल में। पहला क्वेश्चन बनता है कि स्वेच्छा शब्द को, वॉलेंट्री शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है 39 में, पहले क्वेश्चन का मॉडल निकाल लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आपका जो 39 में इलस्ट्रेशन दिया गया है, जो दृष्टांत दिया गया है, वह दृष्टांत बनता है, देखिए कैसे बनता है कि ये एक लुटेरा है, रात में लोग सो रहे हैं, लूट को सुकर बनाने, सुकर मतलब क्या हुआ, आसान, इजी माने आसानी से लूट करने, लूट को सुकर बनाने के लिए एक घनी बस्ती में रात में लोग सो रहे हैं, आग लगा देता है, दो लोग मरकर जलकर खाक हो जाते हैं, लुटेरों को अफसोस होता है, लुटेरे ने कौन सा अपराध किया, हत्या का अपराध किया, क्योंकि आपका भले उसका आशय न था लेकिन इस बात का ज्ञान था कि रात में लोग सो रहे हैं और हम आग लगाएंगे तो क्या होगा, कुछ लोग स्वाहा हो जाएंगे इस अग्नि में, अतः लुटेरे ने हत्या किया कि नहीं किया। अब इसी में कई लोग दिमाग लगाने लगते हैं, दिमाग न लगाइए। अगर कोई एलिस्ट्रेशन या उदाहरण या दृष्टांत है और बेयर एक्ट में लिखा है और बेयर एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि इस मामले में ये होगा, तो अपना दिमाग बिल्कुल न लगाइए, बेयर एक्ट का मैंने लाइन तैयार रखिए और आए तो पहली वरीयता उसी को दीजिए, फिर एक नियम। तो आइए 39 बेयर एक्ट देखा जाए। हाँ, स्वेच्छा शब्द आपका कई जगह आएगा, मैं बता दूँ, कई जगह आपका आएगा, और आपका जैसे कि आपका लूट में आएगा, माने तमाम जगहों पर आपका स्वेच्छा शब्द आएगा, और उसका अर्थ कहाँ से निकाला जाएगा 39। देखिए अच्छे से भाई इसको, तब हम दृष्टांत बताते हैं इसका। देखिए, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छाकारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करने का उसका आशय था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए पर आरोप है कि उसने बी की चाकू मारकर हत्या की, तो कब कहा जाएगा कि ए ने बी पर स्वेच्छा से चाकू का वार किया, तो कानून कहता है कि ए जब चाकू का वार कर रहा था, जिस साधन का प्रयोग कर रहा था, उस साधन से उसका इरादा उस कार्य को करने का था। यानी कि पहला स्वेच्छा कब कहा जाएगा कि जब व्यक्ति का क्या हो, उस साधन से उस कार्य को करने का क्या हो, इंटेंशन, यह स्वेच्छा माना जाएगा। अगला शब्द देखिए, या उन साधनों द्वारा कारित करता है, जिन साधनों को काम में लाते समय माने यूज करते समय मतलब क्या हुआ, प्रयोग करते समय क्या था, वह जानता था। यानी कि जानता था मतलब कि उस वह नॉलेज रखता था, या वह क्या रखता था, ज्ञान। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान है कि हम ऐसा करेंगे तो परिणाम ऐसा हो सकता है, तो क्या ये कहा जाएगा कि नहीं कि वह स्वेच्छा कार्य किया है, कहा जाएगा। या यह विश्वास करने का कारण रखता है, तीसरा क्या हो गया, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। तो अब आइए, स्वेच्छा मतलब क्या, तो क्या मार कराएंगे, अब तीनों को हम भाई एक बार फिर बताएं, काफी महत्वपूर्ण ये शब्द हैं। कब कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से वॉलेंटली कार्य किया है,
तो जब उस कार्य को करने का उसका क्या था इरादा, जिस साधन से वह कार्य कर रहा था उस साधन को यूज करते समय उसका इरादा था कि हम ये साधन यूज करेंगे, तो क्या कहा जाएगा? स्वेच्छा से कार्य किया। दूसरा आपका नॉलेज था, यानी कि नॉलेज मतलब ज्ञान था, ज्ञान का मतलब कि जानकारी थी। जैसे ये है आपका, रात में लोग सो रहे हैं, उस समय घर में आग लगाता है, तो एक को ये ज्ञान है कि हम आग लगाएंगे तो घर में सोए हुए लोग हो सकता है क्या हो जाएं, मर जाएं। या विश्वास करने का कारण का मतलब तो तुरंत बताइए। विश्वास करने का कारण मैं बता चुका हूँ, आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है, 26 में। और विश्वास करने का कारण मतलब पर्याप्त बेस होना, पर्याप्त आधार होना, यानी कि पर्याप्त आधार पर कार्य कर रहा है। तो अगर ये तीन हैं, तीनों में से कोई भी है, तो हम कहेंगे कि वह कार्य कैसे किया है, स्वेच्छा। अब दृष्टांत देखिए, यही आपका अच्छा पूछा जाता है, दृष्टांत रट्टा मार कर जाइएगा, मैं बता चुका हूं। लेकिन अब बेरेक की भाषा देखिए। क, लूट को सुकर बनाने, नए तो लिख लीजिएगा, नए लोग आसान बनाने। क, लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए गृह में रात को आग लगा देता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ क का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का न रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु हुई, तो भी यदि वह जानता था कि यह संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, यह कहा जाएगा। अब यही उदाहरण देगा और नीचे देगा, उपहत्कारित की, कोई अपराध नहीं किया, मृत आपराधिक मानववध किया। एक शब्द पकड़िएगा जो लास्ट लाइन है इस उदाहरण में, किस क्या माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा क्या किया, मृत्यु कारित किया। यानी कि अगर ये उदाहरण आए और पूछे कि क्या किया है, तो वही लास्ट लाइन ही पकड़ना है, स्वेच्छा क्या किया, डेथ कारित किया, क्योंकि भले इरादा नहीं था लेकिन उसे नाले था कि रात में लोग सो रहे हैं और हो सकता है, हो सकता माने संभावना है कि लोग जल कर क्या हो जाएंगे। अब इसी प्रकार चोरी में आइए, एक उदाहरण चेंज किया जाए, दूसरा दृष्टांत देखा जाए। भाई आईपीसी में 50% उदाहरण पढ़ने पड़ते हैं, 50% थ्योरी। जितने अधिक दिमाग चलाएंगे उदाहरणों में उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। आपका ए एक चोर है, बी के कमरे में घुसता है, बक्सा खोलता है, देखता है कि सड़ा हुआ कपड़ा है और उस बक्से में आपका 100 रुपया की नोट रख देता है और अंत में रोता भी है कि बताइए ये लोग इतना गरीब हैं। तो क्या रोने से अपराध कम हो जाएगा? नहीं होगा। तो कौन सा, कुछ लिया नहीं, 100 रुपया की नोट ऊपर से रख दिया। तो कई लोग दिमाग लगाते हैं कि चोर तो बहुत अच्छा था, 100 रख दिया, अब क्या दंड? लेकिन कानून कहता है कि चोरी के प्रयास के लिए वह क्या होगा, और घर में घुसा है तो गृह अतिचार, और तोड़फोड़ के घुसा रहता सेंध मार के तो गृह बेदन, और रात में घुसा रहता तो रात्रो गृह बेदन। और एक तो यही उत्तराखंड का है कि कौन कौन सा अपराध किया, तो भाई गृह अतिचार किया मैंने आपका, और इसके बाद आपका चोरी का क्या किया, प्रयास। भाई बिना इजाजत के घुसे तो अब तोड़ कर घुसाए, कैसे घुसाए, रात में घुसा, ये भी सतर्क रह के देखना है कंपटीशन में। अगला देखिए, आगे आपका देखा जाए 39 हो गया, तो 40 से भी लगातार क्वेश्चन बनते रहते हैं एमपी से लेकर यूपी तक। आइए सेक्शन 40 देखा जाए। भाई यहाँ से भी मैं बता दूं लगातार क्वेश्चन बन रहा है। देखिए पहले 40 का आपका क्वेश्चन का मॉडल निकाला जाए, तब बेरेक, पहले क्वेश्चन का मॉडल ही हमेशा निकाला जाए। पहला क्वेश्चन ये बनता है जो एमपी और तमाम राज्यों में बना है,
यूपी में लगातार बनता है पीओजे में, कि आईपीसी में अपराध की परिभाषा कहाँ दी गई है, ऑफेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो आप मार्क कराइएगा सेक्शन 40। दूसरा क्वेश्चन, सेक्शन 40 में अब तक कितनी बार, मैंने सबसे पहले संशोधन कब हुआ था, तो जब आईपीसी में पिछली बार यूपीजे में ये सन पूछा था भाई, सन पूछा था कि आईपीसी में प्रथम बार अमेंडमेंट कब किया गया था, 1870 यानी कि 1870, रट्टा मार कर जाइए। धारा 40 में भी किया गया था, 34 में पूछा गया था कब संशोधन किया गया, 34 बताना भी है, 1870 भाई रट कर जाइए। अब तक सबसे अधिक बार संशोधन आईपीसी की किस धारा में किया गया है, ये क्वेश्चन बना नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन 3-4 आपको पकड़ने हैं, और यही 3-4 क्वेश्चन अन्य लोगों से आपको क्या करेंगे अलग, यानी कि अगर भीड़ से अलग होना है तो बस 3 या 4 क्वेश्चन अच्छे अच्छे जानिए जो कम लोग जानते हैं। तो कौन सा आपका सेक्शन हो गया 40। अब अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, नहीं एक बार और, 6 बार, 6 बार मार कराइएगा अपराध की। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी सामान्य बातें चल रही है, अपराध की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है, 2N इसमें। अब देखिए एमपी और उत्तराखंड क्या बनाए हैं, अपराध को परिभाषित किया गया है, पहला ऑप्शन सीआरपीसी की धारा 2N, आईपीसी की धारा 40, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो दोनों मार कर आइए। लेकिन अगर क्वेश्चन दे कि अपराध को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा 2N, आईपीसी की धारा 40, आईपीसी की धारा 41 और सीआरपीसी की धारा 12, तो अब आपका सतर्क ये रहना है कि अगर आईपीसी की धारा 40 भी दे और सीआरपीसी की धारा 2N भी, तब अब कानूनी जो भाषा का यूज होता है अब वह आपको सतर्क रहना है। अब हमें देखना है कि परिभाषा कहाँ दी गई लीगल तौर पे, अब आसान नहीं है, तो सीआरपीसी की धारा 2 में जो हेडिंग है वह परिभाषा है, और आईपीसी की धारा 6 से लेकर जो ये 52 तक हम पढ़ा रहे हैं, ये परिभाषा न देकर क्या लिखा गया है, मैं बताया था क्या लिखा गया है, साधारण स्पष्टीकरण, माने कि कुछ चीजों की व्याख्या की गई है, तो लीगल भाषा में कौन सही होगा, सीआरपीसी की धारा 2N, रट कर जाइए, एमपी 2 बार बनाया है, उत्तराखंड 1 बार। अब अगला क्वेश्चन आइए, आईपीसी की धारा जो 40 है आपका यूपीएचजेएस ने भी बनाया, झारखंड ने भी बनाया, और आपका यूपीएपीओ में भी आ सकता है, ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, तो आपका दे देगा जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित किया गया हो, जो विशेष विध के तहत किया गया हो, जो स्थानीय विध के तहत किया गया हो, उपर्युक्त सभी, तो क्या मार कराएंगे, बताया गया था ना एक दिन, उपर्युक्त सभी, लेकिन एचजेएस में देखिए थोड़ा घुमा दिया था, एचजेएस में ये बनाया जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो आईपीसी और विशेष विधि के तहत अपराध हो, जो आईपीसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, इनमें से कोई नहीं, तो आप कौन सा सही मार कराएंगे, तीसरा, क्यों, क्योंकि तीसरा ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें कि तीनों बातें एक साथ क्या करती हैं, मिलती है। कभी काल ये होता है कि आधा तोड़कर दे देता है, जैसे मैं आधा तोड़कर दे रहा हूँ, धारा 40 में अपराध कौन अपराध माना जाएगा, तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो विशेष विध के तहत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं,
तब आधा दिया है, दो दिया है, तो उपर्युक्त क्या मारेंगे? दोनों। अब आपको मॉडल से सतर्क रहना है। तो आईपीसी में मैं बताया था अपराध की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सेक्शन 107 से, और दंड की शुरुआत 109 भाई बताया गया था। अब आइए 40 के बाद 41 देखा जाए। एक लाइन है 41 में, स्पेशल ला है, बस धारा याद रखनी है। विशेष विधि है, विशेष विधि का मतलब क्या हुआ? जो किसी विशेष विषय पर बनाई गई हो, जैसे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा तो डोमेस्टिक वायलेंस, एससी एसटी के प्रति अत्याचार तो भाई एससी एसटी एक्ट, पर्यावरण के लिए अलग कानून, बालकों के लिए अलग कानून, पास्को एक्ट, जुनाइल जस्टिस एक्ट इत्यादि, ये कैसे कानून है? स्पेशल। तो स्पेशल कानून विशेष सब्जेक्ट पर बनते हैं। कौन सी धारा 41? लोकल आ जाइए, स्थानीय विधि कहाँ परिभाषित है? तो आपका कहाँ परिभाषित है? 42 में। लोकल लॉ मतलब कि पूरे भारत में लागू हो कि भारत के किसी क्षेत्र में? केवल इलाहाबाद में लागू रहेगा तो कौन सा कानून कहलाएगा? लोकल। और केवल यूपी में लागू रहेगा तब भी लोकल। अब आइए आपका 41-2 हो गया, आपका 43। अब जो आपका क्वेश्चन इधर बनता है, 43 से कई राज्यों में फिर आ गया, यानी कि आपका 43 दिमाग में अस्थिर करके बैठाना है। और देखिए 43 में अवैध या इलीगल, देखिए तो इंग्लिश विद विरुद्ध अल्लाह फुलने के इलीगल, क्योंकि यूपी जे में पिछली बार फंसा दिया था अल्लाह फुल इलीगल में, तो भाई जो बेरक में वही पढ़िए। हम आसान भाषा में बताते हैं, फिर एक बार समझिए नए लोग, आसान भाषा में हम समझाने के लिए बताते हैं, लेकिन अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो आपको पहली वरीयता किसको देनी है? बेरक, अच्छे से याद रखिएगा। तो सेक्शन 43 में आपका क्या परिभाषित है? इलीगल, यानी कि इलीगल मतलब अवैध। अब अवैध को हम विधि विरुद्ध कह दें, भाई अवैध को क्या कह दें? विधि विरुद्ध कह दें। अब दे देगा कि अवैध परिभाषित है कि विधि विरुद्ध, तो विधि विरुद्ध ना मार कर आ जाएगा, हम बता रहे हैं आसान भाषा में, यानी कि अनलाफुल। तो अब आइए, अगर आईपीसी में कहीं भी इलीगल शब्द का प्रयोग हो, अवैध शब्द का प्रयोग हो, तो उसका मतलब कहाँ से निकाला जाएगा? 43 से। और देखिए कहाँ आप लोग मिस्टेक करेंगे, वही मिस्टेक हम बता रहे हैं। अवैध का मतलब कि जो ऑफेंस हो, जो अपराध हो, अवैध का मतलब जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी कि कानून द्वारा जिस कार्य को करने पर क्या लगा दी गई है? रोक। अवैध का मतलब जो सिविल कार्यवाही का क्या उत्पन्न करता हो? आधार। और उपर्युक्त सभी, पहले समझिए नए लोग कैसे गलती करते हैं, जो लोग इतना अंदर से, वैसे कहीं पढ़ाया नहीं जाता ये सब बातें, मैं बता दूं, आपका कहीं भी जाएंगे ये सब बातें मान लिया जाता है कि लड़का जानता होगा, यानी कि आपका 40% 50% पढ़ाया जाएगा और 50% घर के लिए छोड़ दिया जाएगा कि जाकर कहाँ पढ़ेगा बबुआ? घर पर। लेकिन यहाँ तो डायन भी एक घर छोड़ देती हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सेक्शन छोड़ा ही नहीं जाता। इसीलिए मैं बता दूँ, आपका बिहार एपीओ में भी आपका लगभग 400 से 500 लोग मेंस दे रहे हैं, पुराने नए मिलाकर, माने इतने लोग मेंस दे रहे हैं, इसी आधार पर दे रहे हैं कि सर ने जो छोटी छोटी बातें बताई थी, बड़े बड़े महारथी बाहर हो गए और नए नए लड़के इस बार ज़्यादा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि नए लड़के लगातार लास्ट में क्लास किए और लास्ट में जो जो छोटी छोटी बातें बताई गई संविधान में, और अंतिम दिन देखिए जो अंतिम लेक्चर संविधान का 2.5 घंटे का चला, उसी से 8 से 10 क्वेश्चन मिल गया था, और लोग ट्रेन में जाते हुए पढ़ रहे थे प्री देने, और लोग काफ़ी फोन किए कि जो आज आपने पढ़ा दिया
उसी से तो 10 क्वेश्चन क्या हुआ आ गया, 10 क्वेश्चन 12 एक माने 2 घंटे में 10 क्वेश्चन तो छांट छांट के पढ़ा गया था लास्ट में, क्योंकि समय कम था, कोरोना काल में चल नहीं पाया था। तो फिर एक बार देखिए गलती कहाँ होगी वो समझिए, आपका गलती यहाँ हो सकती है कि आपका अवैध का मतलब क्या हुआ, तो जो नए खिलाड़ी रहते हैं वो पहला ही देखते हैं क्या अपराध मार कर चले आते हैं, और जब घर पर आते हैं बैरक मिलाते हैं तो देखते हैं तो ये भी नीचे लिखा है कि जो ला द्वारा प्रोविटेड यानी कि जो भी द्वारा कि जिसे क्या किया गया है रोका गया है, और जो सिविल कार्यवाही का क्या करे आधार उत्पन्न करे ये भी अवैध में बैरक में है। तो आप लोगों को गलत नहीं होना है, क्या मारना है उपर्युक्त सभी। अब आइए झारखंड का मॉडल, कौन अवैध नहीं माना जाएगा। अब देखिए दूसरा मॉडल बताएंगे इसको डिटेल में, नहीं कि समाप्त हो गया, क्योंकि अपराध को फिर हमें तोड़ना पड़ेगा धारा 40 से, फिर सीआरपीसी 2N, फिर 41 और फिर कौन सा, फिर आपका विध द्वारा रोक, तो इसको आपका टीपीए सीपीसी इत्यादि में जाना पड़ेगा, और सिविल कार्यवाही के आधार तो सीपीसी की कौन सी धारा सिविल सूट 9। अभी भूमिका चल रही है, नहीं कि बैरक समाप्त हो गया, बैरक अभी समझाया नहीं गया, बस मॉडल बताया जा रहा है, तीनों शब्दों को भले 5 मिनट लगे लेकिन अच्छे से इसको समझना है और इसको अभी कोरलेट भी करना है अवैध शब्द को, तो अवैध शब्द को कोरलेट किया जाता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की धारा 23 से करिए, और अवैध जमाव को भी कर लीजिएगा आईपीसी की किस धारा से 141। तो ये भी हमें पढ़ाना है, ये नहीं कि आपका इतना आसान है कि 43 हो गया, लेकिन मॉडल पहले जो आ रहा है जहाँ। अब आइए क्वेश्चन, झारखंड में ये पूछा गया था कि कौन अवैध नहीं है, और ये 3 ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये तो अवैध है ही, इसमें दे दिया जो कार्य अनैतिक हो, तो आप लोग बताइए 4 ऑप्शन हम दे दिए कौन अवैध नहीं है 43 के तहत अनैतिक, हाँ यही पॉइंट पकड़ लीजिए कौन अवैध नहीं है, तो इसको कल हम बताएंगे भाई, कुछ काम भी आज निकलना है, कुछ मैंने देखिए ऐसे भाई आपका कुछ काम पड़ जा रहा है, इधर थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा है, हम भी थक जा रहे हैं, तो हल्का सा 10 मिनट कम ही पढ़िए, फिर भी आज खींच दिया गया कुछ, और कल प्रयास किया जाए कि आपका 43, 43, 44, 45, 46 हाँ इधर हो जाएगा, हमें लगता है आप कोई ज़्यादा नहीं, आपका जो इधर समय लगता है कोई धारा ऐसी नहीं है कि समय लगे, समय लगने वाली धारा नहीं, हो सकता है कि कल अध्याय 3 भी शुरू हो जाए, क्योंकि इधर कोई समय लगने वाली धारा नहीं है, यही धारा 3-4-5 मिनट लेगी, कोरिलेट भी करना है, नहीं तो उसके बाद 2-2-4-4 मिनट, तो कल क्लास चलेगा भाई।